हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका हमारे चैनल गार्डनिंग एंड आयुर्वेदा में। तो दोस्तों, आज की वीडियो बारिश जो हो रही है नर्सरी में, उस बारिश में पौधे कैसे खिल जाते हैं, मैं आपको पूरी नर्सरी का वीडियो बना के दिखाऊंगा कि बारिश के मौसम में कैसे पौधे नज़र आते हैं। बारिश अभी हो ही रही है दोस्तों, ये देखो मैं हल्का हल्का भीगा भी हुआ हूँ और बारिश अभी बहुत तेज़ हो रखी थी, अब थोड़ी सी स्लो हुई है। तो अभी आप देखें पौधों को बारिश में कैसे पौधे होते हैं और कैसे क्यारियों में पानी भर जाता है और पौधे कैसे खुश हो जाते हैं, सारे के सारे पौधों में अलग से चमक आ जाती है। तो दोस्तों आइए वीडियो को शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले दोस्तों गुजारिश यही है, अगर आप हमारे चैनल गार्डनिंग एंड आयुर्वेदा पे नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल गार्डनिंग एंड आयुर्वेदा को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो को पूरा देखा कीजिए। आपको कोई भी बात हमसे नर्सरी से रिलेटेड, प्लांट से रिलेटेड अगर आपको पूछनी है तो आप कमेंट सेक्शन में बेझिझक हमसे कोई भी बात हमसे पूछ सकते हैं। तो दोस्तों आइए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों ये देखें बाहर का नज़ारा। अभी नर्सरी में क्या है कि बरसात के मौसम में जगह जगह सफाई भी ढंग से नहीं हो पाती क्योंकि बारिश लगातार चलती ही रहती है। आप ज़रा ये देखें हमारे पौधे कैसे यहाँ पे रखे हुए हैं। ये दोस्तों हमने यहाँ पे टीन का शेड बनाया हुआ है और हमारी जो मिट्टी होती है नर्सरी में जो हम यूज़ करते हैं वो मिट्टी हम शेड के नीचे डलवाते हैं ताकि किसी भी कारण बरसात में हमारा काम ना रुके। ये देखें दोस्तों सारे पौधे कैसे एकदम से कैसे खिल जाते हैं। ये देखें पूरी नर्सरी दोस्तों बहुत ही लुभावनी नज़र आती है बरसात के मौसम में। आप किसी भी पौधे को देखें हर पौधों में एक अलग से चमक आ जाती है, पौधे खुश हो जाते हैं, खिल उठते हैं। ये नेट के नीचे जो पौधे होते हैं वो भी देखो दोस्तों, ये जैसे पानी क्यारियों में पानी भी भर जाता है, हर पौधों में पानी जितना आना चाहिए उसके हिसाब से पौधे ले लेते हैं, बाकी पानी जो ज़मीन होती है उसके अंदर चला जाता है और पौधे बिल्कुल खुश हो जाते हैं। ये देखें ये दोस्तों मेरे पास एक ये बांस का पौधा है, अब बारिश में जैसे ही पानी बरसा है ये देखो कैसे ये नीचे तक आ चुका है, ये बांस ये आसमान को छूता है और ये अब बारिश में बोझ की वजह से, बारिश के पानी का जो भार होता है उसकी वजह से ये बांस दोस्तों देखो ये कैसे ये नीचे आ चुका है सारा का सारा बांस। ये देखो कैसे टेढ़ा हो चुका है, इधर ये बिल्कुल नीचे ये ज़मीन को ही टच कर चुका है इधर आके। हर पौधे में एक अलग से चमक आ जाती है। ये जो मेरी नर्सरी का जो पीछे का हिस्सा है ये थोड़ा निचाई में है और ये देखें यहाँ पे थोड़ा सा पानी भरने की आशंकाएं बनी रहती है क्योंकि यहाँ पे थोड़ी सी जो नीचा हिस्सा है यहाँ पे नर्सरी में, ये देखें यहाँ पे भी मैंने पिछली बार जैसे थोड़ी सी मिट्टी डलवा दी थी ताकि अब यहाँ पे थोड़ा थोड़ा हम भरत करना शुरू कर देंगे क्योंकि नर्सरी दोस्तों हमारी बहुत पुरानी है तो उसके हिसाब से ये काफ़ी टाइम पहले बहुत नीचे होती थी, अब आगे वाले हिस्से में तो मैं मिट्टी का भरत करवा चुका हूँ। ये देखें इतनी बारिश नहीं हुई है, ये देखो अगर बारिश होती तो यहाँ पे भी आपको पानी ही पानी नज़र आता, लेकिन फिर भी जितनी बारिश हमें ज़रूरत होती है उतनी बारिश आज हुई है। अगर ज़्यादा देर बारिश होती है दोस्तों तो पानी चारों तरफ भर आता है जिसमें हम अपना जो ये रास्ता बनाया हुआ है इस रास्ते पे भी नहीं चल पाते। ये देखें दोस्तों बहुत ही सुंदर पौधे नज़र आते हैं बारिश के मौसम में। हर पौधा अपने अंदर एक अलग से चमक लेके उभर जाता है। तो दोस्तों बारिश में पौधे लगाने चाहिए
क्योंकि बारिश का ही एक ऐसा मौसम होता है जहाँ पे अगर आप पौधे कोई भी पौधे लगाते हैं तो इस मौसम में पौधे मरने के चांस बिल्कुल 0% हो जाता है। लगभग सारे के सारे पौधे ही चलते हैं, कोई पौधा नहीं मरता। ये जो बड़े बड़े बोटल पाम हैं जो ज़मीन के अंदर लगे हुए हैं, अब इन की भी हम खुदाई करके इनको कटियों के अंदर सेट कर देंगे ताकि हमारे ये बड़े बड़े बोटल पाम के पौधे भी बिक सकें। दोस्तों, अगर कोई भी पौधा आपको, जैसे कई बार क्या होता है, जैसे नीम है, पीपल है, कोई भी पौधा जैसे इस तरह के जो छाया देते हैं, जो बढ़िया होते हैं, मेडिसिनल प्लांट हैं, अगर उनके नीचे आपको छोटे छोटे पौधे अगर दिखते हैं, अगर आप उन पौधों को वहाँ से निकाल के कहीं और लगाना चाहते हैं, तो दोस्तों ये मौसम बहुत ही बढ़िया होता है, बारिश का मौसम। इस मौसम में आप कहीं से भी पौधा निकालिए, कहीं भी लगा दीजिए, 100% पौधे के चलने के चांस बने रहते हैं। तो दोस्तों इस मौसम में आप पौधे लगाएं और लोगों को पौधे लगाने के लिए प्रेरित करें। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आप भी अगर पौधे लगाने के शौकीन हैं तो ये मौसम आप लोगों के लिए बहुत ही बढ़िया होता है, मानसून का जो सीज़न होता है। दोस्तों इस मौसम में आप पौधे ज़रूर लगाएं, क्योंकि इस ही मौसम में सभी पौधे जो आप लगाते हैं वो पौधे बहुत अच्छे तरीके से चलते हैं। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो दोस्तों वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए। आपको कोई भी बात अगर हमसे पूछनी है तो आप दोस्तों बेझिझक हमसे पूछ सकते हैं। गार्डनिंग एंड आयुर्वेदा चैनल हमने बनाया ही इसलिए। अगर आपको आयुर्वेद से रिलेटेड भी कोई बात पूछनी है दोस्तों, तो आप आयुर्वेद से भी संबंधित हमसे कोई बात पूछ सकते हैं कि कौन सा पौधा किस रोग में काम आता है, आप हमसे बेझिझक पूछ सकते हैं। कौन सी दवाई, आयुर्वेद की कौन सी दवाई किस पौधे में, आयुर्वेद की कौन सी दवाई आप इस्तेमाल कर सकते हैं, ये भी आप हमसे राय ले सकते हैं। फिर भी अगर आप कोई भी दवाई अगर आप लेते हैं तो किसी एक अच्छे वैद्य के निरीक्षण में ही ले, डॉक्टर से परामर्श अवश्य लीजिए। दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।